बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बीएस फोर ईयर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर हमारा यूनिट वन के हवाले से कंटिन्यूटी लास्ट लेक्चर्स की। आज का टॉपिक है डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स या डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल या डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड से क्या मुराद है? लास्ट हमने क्या पढ़ा था कि लोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स, उसमें ये कहा था कि अगर दो एटम के दरमियान एक केमिकल बॉन्ड बनता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ दोनों एटम्स के दरमियान में कंसंट्रेटेड होगी। उसकी बुनियाद पर जो उसकी एक्सपेक्टेड और जो एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज हैं, दोनों के दरमियान एक गुड एग्रीमेंट होगा। और ऐसे मॉलिक्यूल के सिंगल जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसे ड्रॉ किया जा सकते लेविस के थ्योरी के मुताबिक। बास्कत ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, आप थोड़ा सा अगर एफएससी लेवल की बात को जहन में रखें, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर था, या इसी तरह से जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जिनमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, या डबल क्यू या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इनके जो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स हैं या उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं जिस तरह से एक्सपेक्टेड होनी चाहिए उस तरह से हमें हासिल नहीं होती। तो फिर इसी बात को देखने के लिए हम आज इस टॉपिक में ज़रा इसे डिस्कशन को हम लेंथी लेकर जा रहे हैं ताकि बात समझ आ सके। आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसी को स्टडी करने के बाद, व्यू करने के बाद, आप इसमें से पॉइंट्स या नोट्स अपने बना लेंगे, ज़रा इसे शॉर्ट कर लेंगे। मैंने ज़रा ज़्यादा डिटेल इसमें मेंशन कर दी है ताकि कोई पहलू इसका जो है वो कम ना रह जाए। तो हम टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच वन आर मोर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर स्प्रेड आउट more than two nuclei or atoms, the resulting bonds are called delocalized bonds. System that have a p orbital on an atom adjacent to a double bond, jisme double bond mein pi orbital hoga, are called conjugated unsaturated systems. And phenomena is called conjugation. In simple words, we can say that the alternation of single and double or a triple bond in a molecule is referred to as conjugation. The p orbital may be one that contains a single electron, as in allyl radical. अब इस सारे पैरे में जो बात हमने की है उसे मैंने पहले बताया आपको कि सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर मौजूद हैं या सिंगल ट्रिपल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर मौजूद हैं, तो उसे आप क्या नाम देंगे कि ये है कंजुगेटेड सिस्टम है, कंजुगेटेड बॉन्ड है, कंजुगेशन उसमें मौजूद है। अगर एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2, उससे एक पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। एक एग्जांपल दे एलाइल रेडिकल की, CH2 डबल बॉन्ड CH2 कार्बन पर एक डॉट लगा हुआ है, ये बेसिकली फ्री रेडिकल है। आपको इल्म है कि अगर किसी मॉलिक्यूल पर ऑड नंबर ऑफ या स्पेशी पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं
उसे आप फ्री रेडिकल कह देते हैं। ये इलाइल क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, इसके साथ एक मेथिलीन ग्रुप यानी कम से कम एक कार्बन हो और उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो या अटैच ना हो, उसे आप इलाइल ग्रुप का नाम दे देते हैं। एक ऑफ विनाइल पढ़ते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उनमें से किसी एक कार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसे विनाइल कह देते हैं। ये उसी तर्ज का आ गया इलाइल ग्रुप, इसका जहन में रखें बात। इट मे बी वेकेंट पी ऑर्बिटल एज इन इलाइल केटाइन, और इट मे बी द पी ऑर्बिटल ऑफ अनदर डबल बॉन्ड एज इन 1,3-butadiene। अच्छा, ये जो इलाइलिक ग्रुप है, लास्ट में हमने क्या कहा कि इलाइल रेडिकल है, इलाइल केटाइन है। एक और चीज ऐड कर ले इसी में अपने नोट्स में, या लिखा नहीं है खुद लिख लें इसे, कि इलाइलिक एनाइन भी हो सकता है, यानी सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, उसके साथ जो हमने सी एच टू पर एक पॉजिटिव चार्ज शो किया है, इसी जगह पर आप क्या शो कर देंगे, एक नेगेटिव चार्ज शो कर देंगे। तो ये फिर क्या बन जाएगा, इलाइल एनाइन आप उसे नाम दे देंगे। ए कंजुगेटेड सिस्टम इज नॉट फुली डिस्क्राइब बाय ए सिंगल लेवल स्ट्रक्चर। कंजुगेशन गिव्स दिस सिस्टम स्पेशल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, कंजुगेटेड रेडिकल्स आइंस और मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल than unconjugated ones. Conjugation also allows molecule to undergo unusual reactions. अब देखें, ये जो इसमें तीन पॉइंट्स बताए गए हैं कि जो conjugated system है या जो delocalized system है उसकी advantages क्या हैं? Delocalization molecule को ज़्यादा stable कर देता है। डीलोकलाइजेशन से आप किसी एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को सिंगल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और अनयूजुअल रिएक्शन जो है इसमें से जो नॉर्मली नहीं हो पा रहे होते, तो आप ये कहेंगे कि वो मामूल से हटकर भी बास का दिए अपने केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं। अब यही बात के ये ऐसा क्यों करते हैं, यानी हम क्यों उनके लेवल स्ट्रक्चर को सिंगल स्ट्रक्चर से जाहिर नहीं कर सकते। जो कंजुगेटेड सिस्टम या डीलोकलाइज जो मॉलिक्यूल्स हैं, बॉन्ड हैं, वो ज्यादा स्टेबल क्यों हैं अनकंजुगेटेड या नॉन कंजुगेटेड वन से? तो इसकी वजाहत जो हम फिर दो थ्योरी से कर देते हैं। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्रोच है और एक है रेजोनेंस अप्रोच। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और दूसरी आ गई रेजोनेंस मेथड। जो रेजोनेंस मेथड याद रखें, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट है। तो इसका जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, देखें आपको याद होगा मैंने लास्ट बताया था आपको कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के तीन कॉन्सेप्ट थे। एक जिसमें हमने सिग्मा पाई बॉन्ड ऑर्बिटल स्टडी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और उसी के साथ फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल की बात की। तीसरा उसका कंसेप्ट है ये रेजोनेंस कंसेप्ट आ गया। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक जो हम इसकी पहले वजाहत करते हैं, आज का जो हमारा है उसमें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, उसकी वजाहत करेंगे। मैंने कोशिश की है कि डिटेल्ड तरीके से आपको बात समझाई जाए, मे बी आज का लेक्चर ज़रा लेंथी हो जाए, लेकिन आपने हर एक पॉइंट को अगर आप पूरी कंसंट्रेशन देंगे तो आपको बात समझ आएगी। और कागज़ पेंसिल साथ रख कर आप ये ऑर्बिटल्स डायग्राम्स ड्रॉ करते जाएंगे, स्ट्रक्चर लिखते जाएंगे, तो बात समझ आएगी। देखें,
in molecular orbital theory, the delocalized bond in conjugated system are described in terms of delocalized molecular orbitals. वही बात के orbital which are spread out over more than two atoms. For example, in the carbocation, ये allylic cation जिसे हमने कहा था, इसी को आप allylic anion पर भी apply कर सकते हैं. एलाइलिक फ्री रेडिकल पर भी आप इसी एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए स्पेशी को अप्लाई कर सकते हैं. ऑल द थ्री कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. क्यों ऐसा है? क्योंकि ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू थ्री अदर एटम्स. दैट इज व्हाई वी कैन से दैट के इसमें each one is bonded to only three other atoms. The bonds between carbon atoms being sp2 carbon teen aur atom ke sath bonded hoga to aap dekhen ke usme hybridization kaun si hogi. sp2 mein carbon carbon jo bond hain ye sare sigma bond honge aur sp2 overlap ke zariye banenge. और कार्बन हाइड्रोजन जितने भी इसके बॉन्ड हैं ये सारे के सारे sp2s सिग्मा बॉन्ड के जरिए बनेंगे. नीचे ये स्ट्रक्चर दिया है, दो हाइड्रोजन्स हैं और साइड पर एक हाइड्रोजन दरमियान में है, फिर जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है ये याद रखिए ये सारे एक ही प्लेन के अंदर मौजूद होंगे. सेम प्लेन में ये सारे के सारे मौजूद हैं और इनसे ये सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं. अब एक चीज यहाँ पर आप ध्यान में रखें कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसमें एक pz एटॉमिक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होगा और ये जो प्लेन होता है sp2 का इसके साथ राइट एंगल्ड होगा, यानी 90 डिग्री बना रहा होगा. अगर इन कार्बन को आप नंबरें कर दें, कार्बन 1, 2, 3 कह दें, यानी आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, उसको कार्बन 1 कह दें, फिर दरमियान वाली को 2 और राइट टेस्ट को आप कार्बन को 3 कह दें, तो हर कार्बन पर क्या मौजूद होगा? एक पी अनहाइब्रिडाइज यानी pz जिस सब कह दें ऑर्बिटल मौजूद होगा. और ये तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ क्या होंगे? राइट एंगल्ड होंगे, यानी 90 डिग्री पर मौजूद होंगे. इन्हें आप देखें ये इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. ये जैसे नीचे एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है कि अगर आप हाइड्रोजन्स को और कार्बन्स को इसमें से ओमिट कर दें तो इसका जो एक स्केल्टन बनेगा, एक ढांचा बनेगा, उसमें ये कार्बन 3 एटम है, हर कार्बन एटम पर क्या है, pz एटॉमिक ऑर्बिटल मौजूद है और ये तीनों pz ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ क्या है कि पैरेलल फॉर्म में ये मौजूद हैं. अच्छा, अब देखें कि ये इनका जब पॉरल फॉर्म में है एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, पाई ओवरलैप बनेगा इससे. अब चांसेस क्या हैं कि अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें कि दो पी ऑर्बिटल लेफ्ट साइड वाले ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएं. दूसरा चांस ये है कि जो दो पी ऑर्बिटल्स हैं राइट साइड वाले ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लें. अच्छा, इससे यानी डबल बॉन्ड या तो इस साइड पर बना दें आप या इस साइड पर बना दें. अब इसी जगह पर देखें कि एक जो पी ऑर्बिटल ये स्टिल ये इसमें से वैसे रहता है इस स्ट्रक्चर के मुताबिक जैसे ही हमने इसे शो किया है. अब ये जो डीलोकलाइजेशन का कंसेप्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक, इसमें फिर हम ये कहते हैं कि ये जो तीसरा पी ऑर्बिटल जो ओवरलैप में हम जिसे शो नहीं कर रहे ये भी मौजूद तो किस कंडीशन पर है, ये भी पैरेलल है इनके साथ, तो ये भी इनके साथ ओवरलैप कर जाएगा. ये लफ्ज़ में यहाँ ओवरलैप इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लफ्ज़ ओवरलैप इस्तेमाल नहीं करते बल्कि कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का लफ्ज़ यूज़ करते हैं और उसमें हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे.
कंसेप्ट उसका ये होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, दो ऑर्बिटल जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं उनकी वेव्स आपस में कंबाइन करती हैं, जब भी कभी वेव्स मिलती हैं तो उसमें दो तरह का इंटरफेरेंस होता है, एक जिसे आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह देते हैं, एक जिसे आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उससे बनते हैं और अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब अगर इसमें ये तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इस थ्योरी के मुताबिक कंबाइन करेंगे और उनकी वेव्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगी, तो एज ए रिजल्ट तीन इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है उनकी फॉर्मेशन होगी और तीनों एनर्जी के एतबार से एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। सिंस देयर इज नो रीजन व्हाई द सेंट्रल, वही बात इसमें देख के लिखी है मैंने कि व्हाई द सेंट्रल पी ऑर्बिटल में नॉट ओवरलैप इक्वली विद बोथ द टर्मिनल पी ऑर्बिटल्स, एनी वन ऑफ द अबव ऑर्बिटल पिक्चर इज इनएडिक्वेट, इंस्टेड ए लीनियर कॉम्बिनेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ देयर वेव फंक्शन, यानी वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का असूल है कि उसमें ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन करते हैं, यानी ओवरलैप का लफ्ज यूज नहीं करेंगे, और उसमें या तो ऑर्बिटल्स एक दूसरे को एड अप कर रहे हैं या एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर उनकी वेव्स एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रही हैं तो एडिशन होगी, और अगर उनकी वेव्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही हैं, एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ है, तो उसमें फिर सब्ट्रैक्शन हो जाएगी वेव फंक्शंस की। सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री पी ऑर्बिटल विल गिव राइज टू थ्री मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स, ये आगे फिगर में जैसे दिया हुआ है। ये बुक्स जो मैंने आपको कहा कि उस लिंक से आप अपने पास लोड कर लें, उन्हीं में से ही ये क्योंकि टोटली लेक्चर तैयार किए गए हैं, तो फिगर्स का रेफरेंस मैंने वही रहने दिया कि आप ताकि वहाँ से आसानी से इसे नोट भी कर सकें। तो ये इसकी जो डायग्राम्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के हवाले से, ये देखें ये तीन जो पी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं, इन तीनों को आप कंबाइन करवाएंगे जिससे तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक जो है लो एनर्जी का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे हमने पाई वन से रिप्रेजेंट किया है, फिर नॉन बॉन्डिंग जिसे हमने पाई टू से जाहिर किया है, उसके बाद आप कह देंगे एंटी बॉन्डिंग जिसे हमने पाई थ्री के साथ रिप्रेजेंट किया है। इनकी जो वजाहत है इन ऑर्बिटल्स की कि इनकी एनर्जीज एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हो रही हैं और इसमें से नोडल प्लेन्स कितने हैं, एक बात जहन में रखें कि ये जो शेडेड एरिया होता है इसे आप लोब कह देते हैं ऑर्बिटल का, आपको इल्म है पहले। लोब क्या होता है, वो एरिया जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती उसे हम नोड का नाम देते हैं और नोडल प्लेन भी हम उसे कह देते हैं। अब जैसे ये पाई वन ऑर्बिटल है, ये जो बीच में खाली जगह है जहाँ जिसम ने एक लाइन से जाहिर किया, ये इसका नोडल प्लेन कहलाएगा, इसमें कोई नोड नहीं है। दूसरे में आप देख रहे हैं कि नोडल प्लेन के साथ साथ एक नोड इसमें मौजूद है जिसे हमने डॉटेड लाइन से वर्टिकल शो किया। तीसरे ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग अगर आप देखें तो ये दरमियान वाली जो एक लाइन है ये तो इसका नोडल प्लेन कहलाएगी, नोड इसके कितने बन जाएंगे, दो नोड इसमें आ जाएंगे, ये जो दो डॉटेड लाइन हमने शो की हैं। जितने नंबर ऑफ नोड्स बढ़ते जाएंगे तो उतनी ही रिपल्सिव इफेक्ट इनके दरमियान बढ़ता जाएगा और ऑर्बिटल्स की जो स्टेबिलिटी है वो भी इसी तरह से बढ़ती जाएगी। जब ये सारे मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स बन जाते हैं उसके बाद इलेक्ट्रॉन की तकसीम शुरू होती है, उसी असूल के तहत जो रूल्स आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के स्टडी किए, हर एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। अब इसकी थोड़ी सी वजाहत आगे हमने मेंशन की है कि द ओरिजिनल डबल बॉन्ड ऑफ द एलाइलिक सिस्टम कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज द ओरिजिनल पी ऑर्बिटल मे कंट्रीब्यूट नन वन और टू इलेक्ट्रॉन। अब ये देखें यहाँ बात समझ लें थोड़ी सी,
वो तीन स्ट्रक्चर अगर आपने पेंसिल से लिख लिया अपने पास तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि एलाइलिक हमने कहा केटाइन, फिर एलाइलिक फ्री रेडिकल, और फिर मैंने कहा था एलाइलिक जो एनाइन है। अब देखिए जो एलाइलिक केटाइन होगा जिसमें एक कार्बन हो, हमने पॉजिटिव चार्ज शो किया। अब पी ऑर्बिटल तो तीन है, पहले जो दो कार्बन होंगे उनमें तो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, हर एक यानी पी ऑर्बिटल पर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह जो उसका तीसरा पी ऑर्बिटल होगा उस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उसको ये समझ उस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर वो फ्री रेडिकल है तो डॉट जो है वो उसके एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। इसी तरह अगर वो एनाइन है तो उसमें फिर आप क्या कहेंगे, वो जो नेगेटिव चार्ज जहां आपने शो किया है कार्बन के ऊपर, तो ये दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। डिपेंडिंग अपॉन ऑन वेदर दी एलाइलिक सिस्टम इज ए केटाइन, ए रेडिकल और एनाइन, ये अभी जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया। दस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी एकोमोडेटेड बाई द न्यू मॉलिक्यूल ऑर्बिटल इज 2, 3 or 4, यही बनेंगे। द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन इन द एलाइलिक सिस्टम केटाइन रेडिकल और एनाइन ऑक्यूपाई द बॉन्डिंग ऑर्बिटल, whereas the third electron of the allylic radical must be put into the higher energy non-bonding orbital, the fourth electron of the allylic anion can also be put into the second orbital, the anti-bonding orbital of the highest energy remains vacant in all these cases. Thus the orbital structures of the allylic carbocation, free radical and carbanion differs from each other only in that the non-bonding orbital is empty, half filled or completely filled as shown below. तो ये एक चार्ट इसमें मैंने शो किया है कि जिसमें इन्हीं तीनों के हवाले से कि पाई वन में इलेक्ट्रॉन किस तरह से मौजूद होंगे बॉन्डिंग के अंदर और नॉन बॉन्डिंग में, और फिर एंटीबॉडी में कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ये वही पाई वन पाई टू पाई थ्री शो करके ताकि आपको बात क्लियर हो जाए कि पाई वन में यह इलेक्ट्रॉन किस तरह से तरतीब है। अगर केटाइन है तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, और पाई टू के अंदर जो है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पाई थ्री में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर ये रेडिकल है तो टोटल तीन इलेक्ट्रॉन है, ये जिसमें से दो बॉन्डिंग के अंदर आ जाएंगे और एक जो है वो नॉन बॉन्डिंग में आ जाएगा। इसी तरह अगर एनाइन है तो एनाइन के लिए क्या होगा कि दो बॉन्डिंग में आ जाएंगे और दो नॉन बॉन्डिंग में आ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग इसमें भी क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। तो ये इसकी वजाहत यहाँ इस तरह से की हुई है। अब ये जो इसमें हमने वही नोड्स की बात की है, थोड़ी सी वजाहत मैंने इसकी पहले कर दी है, जस्ट रीड कर देता हूँ कि दी पाई वन एंड पाई टू ऑर्बिटल, ये कंसेप्ट आपके पास अगर आपने इसकी डायग्राम ड्रा कर ली होगी तो आपके लिए फिर आसानी रहेगी। दी पाई वन एंड पाई टू ऑर्बिटल्स आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड हैव एनर्जीज लोअर देन द पी ऑर्बिटल्स फ्रॉम विच दे वर मेड। The pi star orbital is an anti-bonding molecule orbital and has energy higher than that of the p orbital from which it was made. Note that the pi 2 orbital has one node more than pi 1 and the pi star orbital has two more nodes than pi 1. If a plane is passed through the node, the dotted line, the probability of finding electron in the nodal plane is zero. The pi star, which has two nodal planes, has highest energy of the three, and pi 1 is the most stable orbital. It has the lowest energy. These orbitals, which are spread out over more than two atoms, are called delocalized molecular orbitals and are filled according to the same rules as applied to the atomic orbitals.
In the allylic carbocation, there are only two p electrons available, and these will occupy the most stable pi 1 orbital. वही जो लास्ट हमने कहा, ये वही एक रेपिटेशन है अल्फाज की शक्ल में जो टेबल में मैंने दिया. The orbitals pi 2 and pi star will remain empty since the pi 1 electron are attracted by three nuclei rather than only two, as in the case of localized pi orbital. The allylic carbocation has special stability. Molecules such as CH2 double bond CH2 Cl. अब ये इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया एंड CH2 CH single bond CH dot have molecular orbital picture similar to the allylic carbocation with the exception that there are three p electron available in free radical and four in the anion. इसी तरह से देखें कि नेक्स्ट जो है, देयर विल बी टू इलेक्ट्रॉन इन द पाई 1 एंड 1 इन द पाई 2, वेयर एज CH2 CHCl देयर विल बी एन इलेक्ट्रॉन पेयर ईच इन पाई 1 एंड पाई 2. दस द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सिस्टम आर सेपरेट आउट ओवर मोर देन टू न्यूक्लाई. The electron density between any two atoms will be more than that of a single bond, but it will be less than that of a localized double bond. Thus, we see that CH2 double bond CHCl has a smaller dipole moment, 1.43 dy, than that of CH3 CH2Cl, that is 2.05 dy. And carbon-carbon double bond length is 1.38 angstrom, which is longer than C-C double bond, which is 1.34 angstrom. इसी तरह CCl bond जो है 1.69 angstrom है, that is shorter than a CCl bond length of 1.78. ये उसके यानी effects आप देख रहे हैं कि किस तरह structure जो है उस पर ये असरअंदाज होते हैं bond length पर, dipole moment पर. साफ जर जब बॉन्ड लेंथ चेंज होगी उससे बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी डिफर करेगी, पोलैरिटी मॉलिक्यूल की डिफर करेगी, उससे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जो रिएक्टिविटी है वो भी इफ़ेक्ट होगी. ये आज का जो है टॉपिक था. इसे आप जब बुक से पढ़ेंगे या इन्हीं नोट्स की शक्ल में ये मौजूद है, डायग्राम इसके आप ड्रा करें, और जब आप वीडियो को व्यू कर रहे हैं उस वक्त साथ साथ आप लिखते भी जाएं. कागज़ पेंसिल आपके पास मौजूद होना चाहिए. इसी की स्टिल कंटिन्यूटी में अभी जो है यानी डीलोकलाइज्ड की फर्दर जो एग्जांपल्स हैं, ये एक लेक्चर इस पर मज़ीद मौजूद होगा. आल्दो मैंने इसे डिटेल यानी तमाम बुक्स में से मटेरियल को इकट्ठा करके आपको पेश किया है ताकि हर तरह का जो है आप उसके इफ़ेक्ट्स को नोट कर सकें. आप इसमें से इसे मुख्तसर करके एक नोट्स की शक्ल भी दे सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम होगा डीलोकलाइजेशन का, तो उसे हम एग्जांपल्स के साथ इंशाल्लाह पेश करेंगे. अल्लाह हाफिज़.